अभी पूरी गाड़ी जो है एक पैर से ऑपरेट हो रही है, और लेकिन गियर मैनुअली डालने पड़ रहे हैं जैसे डालते हैं IMT में। आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा। हाँ जी, दबाइए। ये देखिए, ये हमारा ऑटो क्लच है, वो ये गाड़ी में से निकल के दूसरी में से निकल के तीसरी गाड़ी में लगा सकते हो। तो हम लोग राजकोट आए हुए थे, राजकोट में हमको जाने का मौका मिला DB मोटर के अंदर। DB मोटर जो कि हैंडीकैप कार किट बनाते हैं, कार एसेसरी का भी काम है, उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो हम ये जो हैंडीकैप कार कैसे डिज़ाइन करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। और यहाँ पर ये सब बदलत हुआ हार्दिक भाई की वजह से। हार्दिक भाई जो है दोनों पैरों से चल नहीं पाते हैं, तो उन्होंने जो अपनी कार को है इसी DB मोटर से डिज़ाइन करवाया था। तो यहाँ पर इनके जो है हार्दिक भाई का एक पूरा एक्सपीरियंस लेंगे। बस ये दिखाना चाहता हूँ कि इनकी जो कार है वो ये आसानी से चला सकते हैं, वो सारी बातें हम दूसरी वीडियो में करेंगे। बस इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये लोग कैसे डिजाइन करते हैं, क्या क्या इनका फंडा रहता है। तो ये हैं DB मोटर्स के ओनर जिनका नाम है दिलीप। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, कैसे आपको समझ में आता है कि इस कार में ये हमने डिजाइन करना है, वो कैसे आप डिसाइड करते हो? मतलब जिसके हाथ नहीं है डिसेबल पर्सन के, या फिर पैर नहीं है, पैरों से काम नहीं करते, वो कैसे डिसाइड करते हो आप लोग? देखो, ज्यादातर तो मेरे पास वो लोग आते हैं जिसको पैरों में दिक्कत होती है। हाथ में दिक्कत होती है तो कौन से हाथ में उसके ऊपर डिपेंड है। अगर लेफ्ट हैंड में है तो मेरे पास आने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक कार लेके वो आराम से चला सकता है। अच्छा, ये बताइए गवर्नमेंट का क्या सीन रहता है इसमें? कुछ गवर्नमेंट मतलब परेशान करती है, या फिर गवर्नमेंट इन चीजों को अप्रूव करके देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कोई कोई राज्य में ऐसा है कि गवर्नमेंट का पूरे इंडिया का रूल है कि हैंडीकैप लोगों को गाड़ी IC सीरीज में इनवैलिड कैरेज में पासिंग करनी है। अच्छा। और हैंडीकैप अगर गाड़ी अच्छी तरह से चलाता है, उसका टेस्ट लिया जाए तो उसको लाइसेंस भी मिलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हैंडीकैप है वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हैंड कंट्रोल ऐसी बनाता हूँ तो वो खुद चला सकता है, अगर RTO के साहब उसका टेस्ट ले ले, अगर परफेक्ट गाड़ी चला रहा है, परफेक्ट पार्किंग भी कर रहा है, तो उसको लाइसेंस मेरे हिसाब से मिलना ही चाहिए। जैसे कि ये गाड़ी आई है आपके पास, तो इसमें क्या आप कर रहे हैं वैसे? अभी तो मेरे ख्याल से शुरुआत ही होगी। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो इसमें बाइक और दोनों लेग प्रॉब्लम है, लेकिन ऑटोमेटिक है तो उसमें सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये अभी काम चालू है उसका। अच्छा, वैसे ये चीज करने में आपको कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो हैंडीकैप होता है वो गाड़ी भी चला रहा है, ठीक है, तो वो एक तरह से ये लगा लीजिए उसका सपना भी आप पूरा कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो ये टाइम मतलब कितना लग जाता है इस चीज को करने में, और कितना परफेक्टली होती है कि ये सारी चीजें, कि कहीं वो चूक की गुंजाइश ना हो? देखो, उसमें ऐसा है कि मेरा जो ब्रेक एक्सीलेटर है वो कस्टमाइज है, मतलब जो गाड़ी आती है उसका नाप लेके उसका, जैसे हम लोग कपड़े बनवाते हैं ना, कपड़े सिलवाते हैं, स्पेशियली होता है, तो मेरे पास जो गाड़ी आती है उसका स्पेशियल में उसका नाप लेके कंपनी के नटबोल्ट में फिट होता है। कहीं पे गाड़ी में वेल्डिंग वगैरह नहीं करता, कहीं पे पत्रा नहीं कटता। अच्छा, ऐसा है थोड़ा सा प्लास्टिक कटेगा लेकिन वो दिखेगा नहीं, इंटीरियर में आपको इंटीरियर डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसे करके मैं बनाता हूँ तो उसमें एक हफ्ते का टाइम लग जाता है एक गाड़ी में। अच्छा, ये बताइए आप जो हैंडीकैप पर्सन को कौन सी गाड़ी रिकमेंड करते हैं, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक? उसका रन कितना, मैं ये पहले पूछता हूँ उसका। अगर उसका रन ज्यादा है हाईवे पर तो ऑटोमेटिक लेने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर सिटी में ज्यादा यूज है तो सिटी के लिए क्या है कि सिटी में बारी बारी ब्रेक लगती है, एक्सीलेटर लगता है, तो ऑटो कार में माइलेज थोड़ी कम मिलती है। अच्छा, तो उसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि आप ऑटो क्लच लगा लो। हमारा जो ऑटो क्लच है वो इतना परफेक्ट चलता है कि बाजू वाली सीट पर कोई बैठा हो ना, उसको मालूम नहीं होगा कि ये क्लच अपने आप हो रहा है, इतना परफेक्ट होता है। अभी और आप बता रहे कि टच सेंसर के थ्रू भी अब हो गया। हाँ, अभी मैंने, हम लोग क्या करते थे पहले, कंपनी का जो गियर नब है ना, उसको हम निकाल के अपना बटन वाला नॉब लगाते थे, लेकिन अभी टच सेंसर डेवलप कर लिया है। कंपनी का गियर नॉब के साइड में एक फाइबर की पट्टी लग जाती है ब्लैक कलर की, दिखती भी नहीं, उसको गियर को जब पकड़ा तो अपने आप क्लच नीचे चला जाएगा। अच्छा, और जब गियर चेंज करें ना तो गियर पकड़ेगा ही। तो अभी हम लोग ऐसी गाड़ी देखने वाले हैं जिसके ओनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है
ऑटो क्लच लगा रखा है अपनी गाड़ी में, अपनी क्रेटा में। अच्छा दिलीप भाई ये बताओ, हमारी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल लगा दोगे क्या? अभी बन रहा है नॉर्मल लोगों के लिए, क्रूज कंट्रोल अभी बन रहा है, वो बन जाएगा उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें सख्त जरूरत है। भाई को भी क्रूज कंट्रोल लगाना है। अच्छा तो रही ये रही क्रेटा, देखो वो गियर में टच सेंसर लगा हुआ है। अच्छा ये टच सेंसर है? वो टच सेंसर है, वहाँ से टच करने से क्लच अपने आप नीचे चला जाता है। अच्छा, और जब गियर बदलते हैं तो उसको पकड़ना ही पड़ता है, जब पकड़ोगे तो क्लच वर्क करेगा अपने आप। तो क्लच पेडल अभी भी है इसमें, इसको निकालने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये कभी समझो किसी को ऑटो में नहीं चलाना हो तो उसका यहाँ पे एक मेन स्विच रखा है, ये मेन स्विच है, ये ऑफ कर देने से समझो क्लच बंद हो गया, अभी ये नॉर्मल हो गया, पैरों से हो सकता है। अच्छा, ये ऑन है तो मैं चालू करके बताता हूँ। देखो अभी क्लच का पेडल आधा नीचे चला जाएगा, देखो। हाँ, अभी ये मेन स्विच है, ये बंद कर देने से ये क्लच नॉर्मल हो गया। अच्छा, ये हैंडीकैप मोड में है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये कभी सर्विस वगैरह में देते हो तो ये जो है ना, ये लोग ये हटा देते हैं कई बार कि भाई पता नहीं क्या चीज लगी हुई है ये। ठीक है, तो ये सर्विस के टाइम पे देते टाइम उनको बता देना, सूचना देनी पड़ती है उसको कि इसको मत हटाना, ये लगा हुआ है स्पेशली। इनकी गाड़ी है, जिन भाई साहब की गाड़ी, उनसे पूछ लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी आपने ये जो है ऑटो क्लच लगाया है, क्या रीजन है उसका? रीजन यही है, वो ट्रैफिक में क्या है, क्लच करने से अच्छा दिक्कत होती है, इसीलिए ऑटो क्लच फिट कर बार बार क्लच करना पड़ता है ट्रैफिक में, ये निकल जाता है, क्लच करने की झंझट ही निकल जाती है। लेफ्ट पैर को पूरा आराम, लेफ्ट पैर को साइड में ही रख दो। ये आपने कब करवा लिया था? मैंने तो 6-7 साल पहले करवाया था, ये दूसरी गाड़ी में करवाया। तो ये 6-7 साल पहले करवा चुके थे दूसरी गाड़ी के अंदर, ये अब दूसरी गाड़ी में करवाया, और हुंडई जो है अब देना शुरू किया IMT उन्होंने। हुंडई में अब आया ये फंक्शन IMT, और इन्होंने 60,000 किलोमीटर भी चला ली है इस ऑटो क्लच में। सर जी ये हुंडई वालों ने अभी बनाई है, हम लोग केस कर दो, 15 साल से लगा रहे हैं। अरे केस करो, करना चाहिए, करे ये टेक्नोलॉजी यार हमारे पास है। अभी आपको चला के दिखाऊंगा मैं, बिल्कुल आप साइड या तो पीछे बैठ जाइए, चला के दिखाऊंगा। चलिए फिर अंदर ही बातें करते हैं। जी जरूर। अभी देखो ये चेक कर लूँ, मेन स्विच यहाँ पे है ऑटो क्लच की, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। अभी इग्निशन ऑन करने से ये क्लच का पेडल जो है वो आधा नीचे चला जाएगा, देखो गया। अभी मैंने ब्रेक लगाया, अभी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। इसमें कोई कोई गाड़ी में ऐसा है कि क्लच करने से ही गाड़ी स्टार्ट होती है, तो ब्रेक मार के आप स्टार्ट कर सकते हो, ब्रेक मारने से क्लच अपने आप नीचे चला जाएगा। अभी देखो ये टच हुआ, तो मेरे को कुछ स्पेशली दबाने का नहीं है, गियर एक बार न्यूट्रल करना जी। अब एक बार फिर से ब्रेक दबा के, ये ब्रेक दबाने से क्लच नीचे जाता है। अच्छा, और अभी मैं यहाँ पे गियर को चेंज करने के लिए यहाँ पकड़ूंगा तो अपने आप टच हो ही जाएगा, तो टच होगा तो क्लच नीचे जाएगा। अभी मैंने फर्स्ट गियर डाल लिया, अभी देखो मैं एक्सीलेटर नहीं दूंगा, फिर भी गाड़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता चलने लगेगी। ये ट्रैफिक में बड़े काम की चीज है, ट्रैफिक में जब गाड़ी गीच ट्रैफिक में बीच में होती है तो क्या थोड़ी थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए हमको सिर्फ फर्स्ट गियर में गाड़ी रखना है और ब्रेक को लगा के रखना है। जब आगे की गाड़ी समझो 2 फुट आगे आगे चलती है तो हमको सिर्फ ब्रेक छोड़ने का है फिर दबाने का है। एक तो बार आपने गियर लगा दिया है, अब इसे आगे बढ़ा के दिखाइए। जी अभी ये चलने लगी, देखो। अच्छा, जैसे सेंसर से हाथ हटाया आपने? जी, सेंसर से हाथ हटाने से ये अभी मैंने एक्सीलेटर दिया ही नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चलने लगी है। देखो अभी मैं एक्सीलेटर देता हूँ तो क्लच जो है पूरा ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अभी तक हाफ क्लच में चल रही है? हाँ, हाफ क्लच में गाड़ी चलती है। अभी ये पूरा ऊपर आ गया, अभी मैं सेकंड गियर डाल रहा हूँ। और इसकी एक खासियत है कि आपकी गाड़ी की स्पीड 40 से कम हो और आप ब्रेक मारोगे तो क्लच अपने आप नीचे चला जाएगा, आपको स्पेशली कुछ करने का नहीं है। अच्छा, कि अगर फिर आप नॉर्मल गाड़ी चलाओगे तो आपको क्लच की आदत छूट गई होगी? बिल्कुल हाँ छूट गई, लेकिन वो दिक्कत नहीं रहती है कि गियर तो चेंज करना पड़ता है। गियर चेंज करना पड़ता है।
मैनुअल का आप अगर गाड़ी चलाओगे ऐसे तो उसमें आप क्लच ही नहीं दबाओगे। हाँ होता है, ऐसा होता है, होता है, हाँ होता है। दूसरी गाड़ी में चलाता ही नहीं वो क्लच, बिना ऑटो क्लच वाला गाड़ी में चलाता ही नहीं वो। दूसरे फ्रेंड को बोल देता हूँ आप चलाओ, मेरे को नहीं चलाना है। अच्छा। जब से डलवा जाए तब से। अच्छा। और दूसरा फायदा यही है उसमें एवरेज भी बढ़ जाता है। अच्छा। वो आप इसमें तो देखो वो जितना क्लच आगे पीछे होता है इतना इसके हिसाब से ऑटो क्लच ही ले लेता है। वो मैनुअल में क्या रहता है आधा क्लच दबाता है फिर ट्रैफिक में, इसीलिए एवरेज कम आती है। इसमें एवरेज पूरा आता है गाड़ी का। कहने का मतलब है इस क्लच में स्लिपेज ना बहुत कम है जिसकी वजह से क्लच की लाइफ भी बढ़ जाती है और एवरेज भी अच्छा मिलता है। आप आरपीएम मीटर को ले लो, आप आरपीएम मीटर देखो, जब मैं एक्सीलरेटर दूंगा गाड़ी देखो जरा भी रेस नहीं होगी, तुरंत ही व्हील घूमेगा, लेकिन गाड़ी का इंजन जो है वो रेस बिल्कुल नहीं होगा। इसके हिसाब से एवरेज बढ़ती है और फेसिंग प्लेट की लाइफ भी बढ़ जाती है क्योंकि वो स्लिप मारेगी नहीं तो घिसेगी नहीं। तो वो जो आप चर्चा कर रहे थे अभी हुंडई वालों ने ये जो गाड़ी बनाई है बगैर क्लच की, तो उसमें ये बात है कि आप जब वो गाड़ी लेते हो तो उसका प्राइस भी ज्यादा है। हमारे ऑटो क्लच का जो प्राइस है उससे ज्यादा उसका प्राइस है। और वो गाड़ी आपने ऑटो क्लच वाली ले ली कंपनी से या तो ऑटोमेटिक ली, तो आप जब 2-5 साल बाद बेचोगे तो वो गाड़ी वैसे ही बेचनी पड़ेगी जैसी ऑटो ली है। ये हमारा ऑटो क्लच है, वो ये गाड़ी में से निकल के दूसरी में से निकल के तीसरी गाड़ी में लगा सकते हो। वो खर्चा एक ही बार आपको करना है। और सबसे अच्छी बात ये कि आप अपनी मैनुअल गाड़ी को अब जो है ये चीज दे सकते हो उसके अंदर IMT वाली फैसिलिटी। ठीक है, वहां पर तो आपको लेनी ही IMT पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपकी अगर पुरानी कोई गाड़ी है उसको भी बना सकते हो। अच्छा, कोई नेगेटिव तो होगा इस चीज का, कुछ है आपको लगा? मेरे को नेगेटिव इस बात में एक ऑटो क्लच में कुछ नहीं लगा। अच्छा, कुछ भी नहीं है? कुछ भी 60,000 चला चुके हो? कुछ भी। और एक बार भी मैंने जब ऑटो क्लच लगवाया है उसके वहाँ गया नहीं हूँ मैं सेटिंग कर दो के ये। अच्छा, एक बार भी नहीं गया। देखो हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद ब्रिज के ऊपर जाएंगे, मैं आपको ब्रिज के ऊपर गाड़ी को खड़ी करके दिखाऊंगा कि जहाँ चढ़ाई होती है वहाँ भी ऑटो क्लच हमारा कैसा चलता है। कहने का मतलब है अगर पहाड़ों में आप गाड़ी चलाते हैं तब ये कितना कामयाब है वो जानने की कोशिश करते हैं। जी जी जी, ये चढ़ाई में अगर आपकी गाड़ी समझो चढ़ाई में ही रुक गई तो आपकी गाड़ी पीछे कभी नहीं जाएगी, आगे ही बढ़ेगी। अच्छा जी, ये मैनुअल में संभव नहीं है। मैनुअल में आपको बहुत ध्यान रख के चढ़ाई में लगाना पड़ता है, लेकिन हमारा ऑटो क्लच जो है चढ़ाई में भी बढ़िया काम करता है। एक बार मैं हाथ लगा के दिखाऊं कि क्लच दबेगा? हाँ दबेगा मेरे। देखो मेरे हाथ रखते ही क्लच दब गया, अभी हाफ दबा हुआ है, मैं फिर से हाथ रख रहा हूँ तो ये पूरा दब जा रहा है। अब आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा? हाँ जी, दबाइए। देखो ये जो क्लच ऊपर आने की स्पीड है ना वो गाड़ी के स्पीड के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम है 40 से नीचे तो जी हाँ वो तो है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड कम है तो हमारा क्लच की ऊपर आने की स्पीड जो है ना वो भी कम हो जाती है। आप 80 के ऊपर जब जाओगे 60 के ऊपर तो गाड़ी का क्लच जो है उसको उसका ऊपर आने का नीचे जाने का स्पीड भी बढ़ जाता है। वो गाड़ी का स्पीड सेंसर से कनेक्टेड है, मतलब ये पूरा सेंसर से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक है। अभी देखो ये चढ़ाई है, ब्रिज के ऊपर हम लोग आए हैं, अभी मैं गाड़ी यहाँ पे रुकता हूँ। अभी मैंने पूरी गाड़ी रोक ली है, अभी फर्स्ट गियर में डाल दिया। अभी देखो गाड़ी जरा भी पीछे बिल्कुल नहीं जाएगी, पूरा आगे ही जाएगी। देखो एक भी झर्क नहीं लगा, पहले मतलब एकदम स्मूथ चलती है, आपको एक भी जर्क नहीं लगेगा। आपकी बगल वाली सीट पर कोई बैठा हो ना उसको भी मालूम नहीं होगा कि ये गाड़ी में ऑटो क्लच लगा हुआ है। बड़ा ही इम्प्रेसिव। ये कितनी देर में लगा देते हो? ये जो मतलब ABS ब्रेक वाली जो गाड़ी होती है उसमें 2 दिन का टाइम लगता है, विदाउट ABS गाड़ी होती है उसमें 1 ही दिन में लग जाता है। अभी आपकी गाड़ी में लगा दो, चलो 2 दिन रुकना पड़ेगा। तो पहले क्रूज का लेकर आइए, क्रूज कंट्रोल का, फिर आते हैं। क्रूज कंट्रोल अभी बन रहा है नॉर्मल आदमी के लिए, वो मैं छोटे से छोटी गाड़ी समझो अल्टो है तो उसमें भी हम लोग क्रूज कंट्रोल कर देंगे।
अभी तो है मेरे पास हैंडीकैप लोगों के लिए घुमाने वाला एक्सीलेटर है, वो क्रूज कंट्रोल ऑलरेडी अल्टो में हम लोग कर देते हैं। मतलब छोटी से लेके कोई भी बड़ी गाड़ी हो जिसमें क्रूज कंट्रोल नहीं हो उसमें हम लोग क्रूज कंट्रोल हैंडीकैप लोगों के लिए कर देते हैं। अभी दिलीप भाई एक बात बताइए कि ये जो आप ऑटो क्लच है ये एक मोटर होती है या फिर कैसा क्या चीज होती है? हाँ, किस चीज से कंट्रोल होता है? स्पेशल मोटर होती है, मोटर जापान की है और उसमें एक मदरबोर्ड लगा हुआ है जो जिसको हम लोग कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। इससे मोटर कंट्रोल होती है और गाड़ी का जो सब वायरिंग होता है सेंसर वगैरह का उसके साथ उसका कनेक्शन है। तो आपने एक्सीलेटर दिया, ब्रेक लगाई, कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है वो सब स्कैनिंग करके अपना क्लच का मोटर वर्किंग करता है आगे पीछे। वो मोटर लगाते कहाँ आप? जी मोटर वो पूरा कीटी है, सीट के नीचे लगी है। ये ड्राइविंग सीट के नीचे है। अच्छा, कहीं कुछ दिखेगा नहीं, मतलब आपको वायरिंग भी नहीं दिखेगा और इसका जो बाकी का मैकेनिज्म है कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये सेंसर दिखेगा। अच्छा, ये किस तरीके से क्लच और ब्रेक का करते हैं? ठीक है कि अगर पीछे की तरफ खींचते हो तो रेस रेस होती है और आगे की तरफ अगर करते हो तो ब्रेक का होता है। वो इसीलिए ऐसा बनाया है कि ब्रेक जब हम मारते हैं ना तो अपना बॉडी आगे की तरफ झुकता है, तो जब आगे की तरफ झुकेगा तो और ब्रेक अच्छी लगेगी। अगर मैंने खींचने वाली ब्रेक बनाई होती तो खींचता और बॉडी आगे भी गए खींचे तो ब्रेक लगती ही नहीं। और जब एक्सीलेटर देते हैं ना तो हमारा बॉडी पीछे जाता है, वो भी इसके लिए पीछे वाला एक्सीलेटर किया। अपनी तरफ खींचो तो एक्सीलेटर, सामने की तरफ धक्का मारो तो ब्रेक। तो आप तो गाड़ी को इतना इजी बना देते हो कि हैंडीकैप बंदा जो है वो भी बहुत आराम से जो है उसको चला सकता है जैसे कि नॉर्मल वो चलाते हैं। एकदम इजी है, एकदम इजी कि एक ही हफ्ते में, मेरा ये 30 साल का अनुभव है कि एक ही हफ्ते में लोग है ना हाईवे पर या तो सिटी ट्रैफिक में लेके निकलने पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। मतलब कितनी गाड़ियां आपने बना दी हैं अभी तक? वो तो इतना तो याद नहीं है लेकिन 3000 से ज्यादा बना चुका। 3000 से ज्यादा? और आपसे जो बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि अफ्रीका तक भी गई है आपकी, बाहर भी जो गई है आपकी गाड़ियां हैं। ये जो किट रहती है ARAI अप्रूव्ड रहती है या फिर आप मतलब आपको अप्रूवल लेना पड़ता है ARAI से? अप्रूवल सब गाड़ियों का अलग अलग रहता है। अच्छा। जो गाड़ी नया मॉडल कंपनी से आता है तो उसका अप्रूवल लेना ही पड़ता है। अच्छा। जिसका अप्रूवल है पूरा जो पहले से ही आ रही है उसका अप्रूवल पहले से होता है। अच्छा। लेकिन जो नया मॉडल आता है उसका अप्रूवल लेना मतलब किट का, अगर जो नया मॉडल आता है उसका अप्रूवल लेना पड़ता है? सर ऐसा नहीं है, किट की बात नहीं करो, गाड़ी का कोई नया मॉडल आया तो उसका ब्रेक बना के उसका अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल ऐसा फैक्ट्री को नहीं मिलता है या तो ब्रेक को नहीं मिलता है, गाड़ी में जब ब्रेक लगती है उसको वो गाड़ी के हिसाब से अप्रूवल मिलता है। अच्छा, ये गाड़ी जब आपकी तैयार हो जाती है आप कस्टमर को सौंप देते हैं, कस्टमर को RTO में जाकर उसको चला के दिखाना पड़ता है क्या ये गाड़ी में चला पाता तभी लाइसेंस मिलता है? हाँ जी, वैसे टेस्ट लेते हैं लेकिन वो टेस्ट ऐसी होती है कि RTO के साहब खुद गाड़ी में बैठते हैं, को ड्राइवर सीट में बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं कि आप गाड़ी चला के दिखाइए, वो एट भी करवाते हैं, रिवर्स पार्किंग भी करवाते हैं और जरूरत पड़ी तो उसको थोड़ा लॉन्ग ड्राइव भी करवाते हैं टेस्ट करके। अच्छा, चलिए एक बार लाइसेंस अगर मिल गया तो वो बंदा कहीं पर भी इंडिया के कोने में जा सकता है गाड़ी को लेकर? जी जी, पूरा इंडिया का लाइसेंस है ना, लाइसेंस में इनवैलिड कैरेज का सिक्का ही लग जाता है। और ये फायदा भी होता है कि हैंडीकैप का लाइसेंस हो, अगर गाड़ी हैंडीकैप में इनवैलिड कैरेज में पासिंग हो तो उसको टोल भी नहीं लगता है। अच्छा। पूरे इंडिया में नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे पर टोल नहीं लगेगा कहीं। कोई टैक्स में छूट वगैरह? टैक्स में अभी गवर्नमेंट ने GST में 10% का फायदा दिया है, वो लोग ले रहे हैं अभी। अभी जिसको नहीं मालूम है मेरे को फोन आता है तो मैं सबको बताता हूँ, गाड़ी बनाए ना बनाए वो दूसरी बात है लेकिन उसको 5 फायदे जो मिलते हैं वो मैं उसको समझाता हूँ कि पहला तो GST का फायदा है, दूसरा RTO टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है, तीसरा जो है वो इंश्योरेंस में 50% कट जाता है, और चौथा उसकी ये टोल टैक्स वाला, टोल टैक्स फ्री है। अच्छा। और पांचवा फायदा है उसको लाइसेंस भी बनता है पक्का। तो वैसे अभी दिलीप भाई इस गाड़ी को बना रहे हैं, प्रॉपरली तैयार नहीं हुई थी, हम थोड़ा सा एक दिन लेट हो गए
क्योंकि कल ही इन्होंने एक गाड़ी तैयार करके दी है, वैसे मंगवाएंगे गाड़ी अभी, शायद आप मंगवा रहे हैं। हाँ, आ रही है एक ऑटो क्लच वाली गाड़ी आ रही है क्रेटा, उसमें मैं ऑटो क्लच लगाया। गाड़ियां इन्होंने बड़ी बड़ी कर रखी हैं, जैसे जीप कंपास भी कर रखी है, आपने एंडेवर वगैरह भी कर रखी है, आपको फोटोज वगैरह भी दिखाएंगे अभी जो इनकी यहाँ पर गैलरी में लगी हुई है। देखो वर्कशॉप छोटा होगा लेकिन काम इतने बड़े बड़े होते हैं कि जो कि आपके बड़े से बड़े वर्कशॉप में भी नहीं होते हैं। ठीक है, वो चीज हमें ये चीज कवर करने का कहां से आया, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हार्दिक ने जो है वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, उनकी जो गाड़ी है वो भी हम आपको अगले वीडियो के अंदर दिखाएंगे, जो कि यहीं से तैयार हुई थी। लगभग कितने टाइम पहले हुई थी? शायद उसको 2 साल हो गया, 2017-18 में बनाई, 16 में, 4 सालों में, 4 साल हो गए। तो सर आपको बता दूं कि ये जो मैं ब्रेक एक्सीलेटर बनाता हूँ ना, उसको मैं 20 साल का गारंटी देता हूँ, नो वारंटी गारंटी। अच्छा, सीधे रिप्लेस होगा, इसमें कुछ होने वाला ही नहीं है ब्रेक एक्सीलेटर में। ऑटो क्लच की बात अलग है, उसमें अगर आदमी गलती करता है तो कुछ फ्यूज व्यूज उड़ जाता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ब्रेक एक्सीलेटर में तो ये लाइफ टाइम उसको कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, एक चीज पूछनी थी आपसे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताना कि इसमें खर्चा कितना आ जाता है, मोटे मोटे तौर पे बता दीजिए, या फिर अगर ऊपर नीचे होता है गाड़ियों में तो उस हिसाब से भी बता दीजिए। तो खर्चे में ऐसा है कि जो आदमी मेरे पास आता है उसको कौन कैसी तकलीफ है वो देख के मैं डिसाइड करता हूँ, और थोड़ा बहुत गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड रहता है। अच्छा, गाड़ी कौन सी है, अगर ज्यादा मगजमारी वाली गाड़ी हो तो उसमें थोड़ा 2-3-5 हजार का आगे पीछे चार्ज में फर्क रहता है। बात यहाँ पर पैसे की नहीं है, बात यहाँ पर सुविधा की है, और जो है एक मतलब अच्छे तरीके से बिल्कुल अप्रूवल के साथ, गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ ये जो है डिसेबल पर्सन को, हैंडीकैप पर्सन को गाड़ी चलाने के काबिल बना देते हैं। इनका यहाँ पर काम देख लेते हैं, यहाँ पर इनका जो बोर्ड लगा हुआ है, बेहतर तरीके से बता पाओगे ये गाड़ियाँ हैं, तो ये अलग अलग टाइम पे हुई होंगी मेरे ख्याल से। ये कौन है? ये सर डीपी, जब डीसी से मिले थे ये हम लोग है ना कच्छ डेजर्ट कार रैली में गए थे, ये मेरा दोस्त है, उसको बहुत शौक था कि मैं कार रैली में जाए, तो उसके लिए हम लोग कार रैली में जब गए थे वहां पे, तो वहां पे ये हैंडीकैप कार, नॉर्मल कार रैली में हैंडीकैप कार होने की वजह से सबको आश्चर्य होता था कि ये कैसे चलाते हैं, कैसे चलाते, और रैली में भी आए, क्या बात है। तो वहां पे पूरे हाँ जी, पूरे टीवी वाले, अखबार वाले सब हम पर फोकस हो गए सब, वहां पे ये VTV और दूसरे चैनल वाले भी थे, लोकल चैनल वाले भी थे, उसने हमारा और मेरा दोस्त का दोनों का इंटरव्यू लिया था। तो यहाँ पर अलग अलग गाड़ियां दिखाई दे रही है, एंडेवर दिखाई दे रही है, डिजायर, होंडा सिटी, ईटीओस होगी, ज़ाइलो होगी आपकी, और ये क्रेटा होगी, क्रेटा वगैरह होगी आपकी। मैंने करीबन कोई गाड़ी बाकी नहीं रखी है, मैं सब गाड़ी अब तक बना चुका हूँ। बहुत बढ़िया, ये खास मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गाड़ी 8 साल पहले हरियाणा से बाय रोड यहाँ पे आई थी, सिर्फ फोन से मेरे साथ बात करने से। ये तो मेरे ख्याल से टेम्परेरी नंबर की गाड़ी है, मतलब निकल के सीधी यहीं आई थी। हाँ नहीं नहीं, हाँ तो ये गाड़ी मेरे पास आई थी, तो यहाँ से मैंने बना के दी, अभी 8 साल हो गए, उसका एक भी कंप्लेन का फोन नहीं आया, उसमें ऑटो क्लच, ब्रेक एक्सीलेटर सब कुछ लगा है। वैसे 8 साल पहले भी आपको बोर्ड सही भी था? हाँ, मैं नहीं बदलता, उसका डिजाइन जो है नहीं बदलता। ये क्रेटा कच्छ के NRI की है, ये क्रेटा से पहले मैंने होंडा सिटी उसकी बनाई थी, वो लेके गए थे अफ्रीका, अफ्रीका में कंपाला में है, वहां पे उसको हैंडीकैप का नंबर भी मिल गया, रेड कलर की नंबर प्लेट वहां पे होती है हैंडीकैप लोगों के लिए। तो उसके बाद में उसने दूसरी गाड़ी मेरे पास बनवाई, ये क्रेटा, और क्रेटा भी वहां लेके गए, मतलब मेरी 2 कार बनाई हुई अभी अफ्रीका में चल रही। वैसे एक बात हम आपको बताएं कि हम लोगों को जो है वो स्पॉन्सर्ड वीडियो करने की बजाय इस टाइप की वीडियो करने में ज्यादा मजा आता है, आप लोगों को भी फायदा हो और भाई लोगों को भी फायदा हो। बिल्कुल ठीक है, बाकी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, आजकल सेंसर बेस्ड आ गई है, पहले जो है मैनुअल रहता था सारा कुछ, तो नई नई चीजें भी आ चुकी है, अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ, चाहे गाड़ी कोई भी हो, ठीक है, आपको सीट बेल्ट लगा करके ही चलना है,
और अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहना कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और थैंक यू सो मच। थैंक यू।